अभी अभी तुरंत हुई आधा घंटा का, तो शादी में हम कह रहे हैं तो शादी में से हम लोग दूसरे शादी में जा रहे हैं, इनके आदमी हम लोग टेक मोहम्मद को चौराहे के पास जयराम चौधरी थे, उनके कुछ लोग थे, क्योंकि इनका आधार खत्म हो चुका है, ये चुनाव से बाहर हो गए हैं, इसलिए मेरी हत्या करवाना चाह रहे थे। ये जयराम चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ रही नगर पंचायत, पूर्व विधायक हैं बस्ती सदर के। जब ये लोग हमारे ऊपर ओवरटेक किए तो हम जान बचा के अपने घर आ रहे थे, एसओ साहब को हमने फोन किया कि सर मेरा जान हत्या करवाना चाह रहे हैं। हम जो घर पे आए तुरंत इनके आदमी सब लोग आए, ईटा पाथर से तुरंत ईटा पाथर चलने लगे, हम गेट बंद करके किस तरीके से अपना जान बचाए। देखिए, एक वर्ग विशेष के वोट का ध्रुवीकरण के लिए एक प्रायोजित कहानी, मैं भी संजोग से मैं उस समय तो था नहीं, फील्ड में था, और जब आने के बाद मुझे पता किया तो बात निकल के आई। एक मोहल्ला है और एक वार्ड है, वार्ड नंबर 5। उस वार्ड का रास्ता पूर्व प्रधान के घर से हो करके जाता, उसी में 3-4 लड़के गए थे, कुछ एक कोई निमंत्रण भी था और कुछ पार्टी के कन्वेंशन के लिए भी गए थे। उधर से लौटते समय लगभग 11 बज रहा था, तो 2-4 लड़के उनके घर के सामने खड़े थे। अब जैसे भी रहे हों, उन लोगों ने को थोड़ा ये लगा कि हमारे क्षेत्र में और इतनी रात में ये कैसे प्रचार कर रहे हैं, तो इसी बात पर कुछ तूतू मैमा हो गया। फिर तूतू मैमा जो है मेरे समझ से हो सकता है थोड़ा गाली गलौज में बदल गया। उसके बाद उसके परिवार के लोग और वो सब खुद मिल करके सारे लोग छत पर चढ़ गए और वहीं से ईटा पाथा रद्दा और यहाँ तक कि धमकाने के लिए फायर तक किया गया। अब स्थिति बनती है कि जब कोई ऐसा वातावरण वहां नहीं था कि कोई जाए और उनको मारे या कुछ कहे या कोई ऐसी बात है, तो फिर इस तरीके से माहौल बनाने का कोई बात समझ में आई नहीं।